कोरोना के नए वेरिएंट ने चिंता बढ़ा दी है। ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वह डेल्टा वेरिएंट से काफ़ी अधिक संक्रामक है, और यह कितना खतरनाक है इसके बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं विशेषज्ञ, जानते हैं। जो ये कोरोना वायरस है हम लोगों का, वो आरएनए वायरस है और इसमें म्यूटेशन बहुत ज़्यादा होता है, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस की तरह। तो इसमें म्यूटेशन बहुत ज़्यादा होता है, उसी का ये जो नया वायरस नया जो म्यूटेटेड जो फॉर्म है, ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है, वो ज़्यादा खतरनाक है, 6 से 7 गुना ज़्यादा संक्रामक भी है, और ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इसीलिए हम लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है कि अगर एक भी केस आ गया तो वो बहुत ज़्यादा सबको फैला देगा। और आजकल हम लोग तो आश्वस्त हो गए हैं कि भाई बहुत कोरोना का केस बहुत कम गया है, मुश्किल से 8-10 हज़ार केस आ रहे हैं पूरे भारत वर्ष में, 140 करोड़ में। तो उस हिसाब से अगर एक भी केस आता है ऐसा, और 7 गुना ज़्यादा डेल्टा वेरिएंट से भी संक्रामक है, तब तो सावधानी की ज़रूरत है ही है हम लोग। आजकल हम लोग बिना मास्क के ही घूमने लगे हैं, क्योंकि हम लोग रिलैक्स हो गए हैं कि भाई चलिए अब कोरोना काल ख़त्म हो गया, और इनफैक्ट ये समाप्ति पर तो था ही, बहुत अच्छी बात थी, और बाज़ार खुल रहे थे, स्कूल खुल रहे थे। लेकिन हम लोगों को सावधानी तो बरतनी होगी, क्योंकि इन्फेक्शस ज़्यादा है, 6 से 7%, 6 से 7 गुना ज़्यादा भी इन्फेक्शस है। उस हिसाब से हम लोगों को तो सावधानी बरतनी होगी इसीलिए, और सावधानी के अलावे मास्क पहनना होगा, डिस्टेंस मेंटेन करना होगा, जो भी कोरोना का नियम था उसको तो पालन करना ही होगा हम लोगों को। स्वच्छता वो मैंने स्वच्छता का वातावरण रखना होगा, हाथ हाथ धोना होगा, डिस्टेंस मेंटेन करना होगा, तो ये सब तो सावधानी लेनी ही पड़ेगी हम लोग। और ये तो हुआ कि इस वेरिएंट को अगर हम चाहते हैं कि इससे थोड़ा सा बचना, तो उसके लिए सबसे अच्छा होगा कि हम लोगों का डबल डोज जिन लोगों ने लिया है उसको भी हम लोग बूस्टर डोज दे दें, और जो लोग सिंगल डोज लिए हैं उन लोगों को डबल डोज दे दें, वो भी बूस्टर डोज का काम करेगा। बूस्टर डोज देने का फायदा ये है कि जो एंटीबॉडी लेवल जो फॉल कर रहा होगा वैक्सीनेटेड में, वो सडनली शूट अप कर जाएगा और वो प्रोटेक्शन देगा। कोई भी वेरिएंट हो तो वो वैक्सीनेशन को बिल्कुल निष्प्रभावी नहीं बना सकता है, कुछ ना कुछ तो इफेक्ट होगा ही। इसीलिए बचने का सबसे उत्तम तरीका है, सबसे बढ़िया तरीका हम लोगों का है कि वैक्सीनेशन पे हम लोग फुल फ्लैश वैक्सीनेशन करें, वैक्सीनेशन पे ध्यान दें, बूस्टर डोज लगाना शुरू कर दें। ये बूस्टर डोज एंटीबॉडी प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, जो कि बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अगर संक्रामक बीमारी ये बहुत ज़्यादा है, अगर फैल जाएगी तो हम लोग फिर मुश्किल में पड़ जाए। कैसे पता चलेगा सर ओमिक्रॉन है या फिर डेल्टा? ओमिक्रॉन के लिए हम लोगों को जेनेटिक सीक्वेंसिंग, जेनेटिक मैपिंग में जाना पड़ेगा। वो जैसे पॉजिटिव जो आ गया सैंपल RT-PCR से चाहे रैपिड से आया, तो उसको हम लोग RT-PCR से कन्फर्म कर लेंगे। अगर RT-PCR से कन्फर्म हो गया तो उसको हम लोग वैसे केसेस को हम लोग सर्टेन लेबॉरटरीज हैं हमारे कंट्री में, जैसे दिल्ली में है, कलकत्ता में है, फिर आपका ये उड़ीसा में है, साउथ में भी है, तो वहाँ हम लोग जेनेटिक सिक्वेंसिंग मैपिंग के लिए हम लोग भेजते हैं। वहाँ वो जेनेटिक जो स्ट्रक्चर उसमें पता चल जाएगा कि कहाँ कौन ओमिक्रॉन है कि क्या है, डेल्टा है कि डेल्टा प्लस है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट है, कितना पता चल जाएगा। तो ओमिक्रॉन तो अभी वो आया हुआ बहुत फ्रेश है ना, इसीलिए हम लोग तो हमेशा भेज रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव का इंसिडेंस जैसे हम लोगों ने 2500 जांच किया, अभी हमारे यहाँ 2 दिन से कोई पॉजिटिव केस आया ही नहीं है। तो पॉजिटिव आएगा तो हम तो भेजेंगे निश्चित, क्यों नहीं भेजेंगे। बिहार में है कि नहीं ऐसे लोग? बिहार में हमारे IGMS में खुलना है, लेकिन अभी खुला नहीं। जैसा कि PMCH के माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर सत्येंद्र नारायण सिंह ने बताया कि यह ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट के तुलना में
6 गुना अधिक संक्रामक है। हालांकि अभी तक इस पर विस्तृत स्टडी रिपोर्ट नहीं आई है, ऐसे में इस पर अधिक कुछ नहीं कहा जा सकता। हालांकि उन्होंने यह कहा जरूर कि इस पर भी वैक्सीन काफ़ी कारगर है, इससे बचाव के लिए ज़रूरी है कि सभी लोग वैक्सीनेशन करा ले, अथवा जिन लोगों ने 6 महीने से पहले अपना वैक्सीन का दोनों डोज कंप्लीट कर लिया है ऐसे लोगों को बूस्टर डोज लेना चाहिए। ईटीवी भारत के लिए पटना से कृष्ण नंदन।